महत्वाकांक्षाएं जब जुनून बन जाएं, तो उसे पूरा करने के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। संघर्ष के कठिन रास्तों पर चलते हुए वो एक न एक दिन अपनी मंजिल को पा ही लेता है, भले ही उसे जीवन में कई बातों के लिए समझौता ही क्यों न करना पड़े। लेकिन वो लोग विरले ही होते हैं जो अपने सपनों और अपनी जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बिठाकर चलते हैं और जीवन में सफल भी होते हैं। उनका संघर्ष, उनका धैर्य और उनका जीवन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। आज हम चर्चा करेंगे 90 के दशक के हिंदी फिल्म जगत के एक ऐसे ही होनहार और सफल अभिनेता सुनील शेट्टी की, जिन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू करने से पहले अपने पिता के व्यवसाय को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। साथ ही रोशनी डालेंगे उनके परिवार और उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास घटनाओं पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी। स्वागत है आपका नारद टीवी की खास श्रृंखला बॉलीवुड फैमिली में, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं अभिनेता सुनील शेट्टी की फैमिली पर। सबसे पहले बात करते हैं इस परिवार के मुख्य किरदार यानी सुनील शेट्टी की। इनका पूरा नाम है सुनील वीरप्पा शेट्टी और बॉलीवुड में प्यार से इन्हें लोग अन्ना कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म कांटे की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन उन्हें प्यार से अन्ना पुकारा करते थे, जो इतना पॉपुलर हुआ कि हर कोई इन्हें अन्ना कहने लगा। सुनील शेट्टी का जन्म एक तुलु भाषी हिंदू बंत परिवार में 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक के मुल्की में हुआ था, जो कि मैंगलोर के समीप स्थित है। कम लोगों को ही पता होगा कि होटल मैनेजमेंट के डिग्री धारक सुनील एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर भी हैं। बचपन से ही सुनील एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, साथ ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाते बटाते नौजवानी की उम्र में ही एक सफल बिजनेसमैन भी बन गए और बाद में पिता के उस व्यवसाय का उन्होंने और भी विस्तार किया। सुनील होटल व्यवसाय के साथ साथ कपड़ों, बुटीक, जिम और फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी कार्यरत हैं। दोस्तों, सुनील की फिल्मों में अभिनय करने की कभी कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मुंबई में एक सफल बिजनेसमैन होने की वजह से सुनील शेट्टी का फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों के साथ उठना बैठना लगा रहता था। सेहत के प्रति जागरूक सुनील शेट्टी की पर्सनालिटी शुरू से ही लोगों को आकर्षित करती थी। उसी दौरान डायरेक्टर राजीव राय और शब्बीर बॉक्सवाला जैसे सुनील के फिल्मी दुनिया के साथियों ने जोर देकर उस जमाने के मशहूर फोटोग्राफर जेपी सिंघल से सुनील का पोर्टफोलियो फोटो शूट करवाया और समझाया कि वो अभिनेता बनने के लिए कोशिश करें तो जरूर सफल होंगे। उन लोगों की बात सही साबित हुई और जल्द ही वो फिल्म एक फौलाद के लिए बतौर हीरो साइन कर लिए गए, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे उस दौर के मशहूर निर्देशक पहलाज नेहलानी। लेकिन कुछ कारणवश वह फिल्म शुरू नहीं हो सकी। कुछ और फिल्मों के लिए सुनील को बतौर हीरो चुना गया, लेकिन बात नहीं बन सकी। खैर, इन सब बातों से एक बात तो तय हो ही गई थी कि सुनील अभिनेता बन सकते थे और निर्देशक इसके लिए इच्छुक भी थे। शायद इसीलिए सुनील का मनोबल कभी भी टूटा नहीं। इसी दौरान सुनील के हाथ दो फिल्में और आईं, एक अक्षय कुमार के साथ वक्त हमारा है और दूसरी बलवान। निर्देशक दीपक आनंद की फिल्म बलवान, जिसमें सुनील सोलो हीरो थे, वो पहले रिलीज हुई, इसलिए ये फिल्म उनकी पहली फिल्म बन गई। ये दोनों ही फिल्में 1992 में रिलीज हुई और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि फिल्मी दुनिया में लोग सुनील को लेकर इतने आश्वस्त थे कि बलवान फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उनके हाथों में ढेरों फिल्में आ चुकी थीं। कहा जाता है कि उन्होंने उसी दौरान तकरीबन 30 फिल्में साइन कर ली थीं। सुनील जहां अपनी पर्सनैलिटी और स्टंट की वजह से निर्देशकों के चहेते बन गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपनी संवाद अदायगी और अभिनय के लिए आलोचना भी झेलनी पड़ती थी। वर्ष 1994 में रिलीज सुपरहिट फिल्म मोहरा में उनके एक्शन के साथ साथ अभिनय को भी लोगों ने थोड़ी बहुत सराहना की, लेकिन इसके बावजूद अभी भी उनके हिस्से में ज्यादातर एक्शन फिल्में ही आ रही थी। फिल्मी दुनिया के ही बहुत से दिग्गज लोगों ने उन्हें अधूरा एक्टर कहा। कईयों ने तो उन्हें पहलवान और एक्टिंग के नाम पर चीखने चिल्लाने वाला एक्टर तक कह डाला। ऐसा नहीं है कि ये बातें पहली बार सुनील जी को ही सुनने को मिली थी। ऐसे ही बातों का सामना धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे महान अभिनेताओं को भी करना पड़ा था जब वो नए नए आए थे। कुछ लोगों ने तो सुनील से यहाँ तक कह दिया कि एक्टिंग उनकी बस की नहीं है, वो अपने होटल के बिजनेस पर ही ध्यान दें, वरना कहीं वो भी न बर्बाद हो जाए। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर सुनील का मन बहुत दुखी हो जाता। एक इंटरव्यू में सुनील ने बताया कि मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो मुझे कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। जब मेरी पहली फिल्म सफल हुई थी तो मैं खुशी से पागल हो गया था। अपनी सफलता और लोगों द्वारा अपनी बॉडी की तारीफ सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा कि इंडस्ट्री का दूसरा अमिताभ बच्चन मैं ही बनूंगा, लेकिन वो ख्वाब एक ख्वाब ही रह गया। बाद में मेरी कई फिल्में उतना नहीं चली जितना कि मुझे उनसे उम्मीद थी। इस वजह से कभी कभी मैं खुद ही अपने एक्टर बनने के निर्णय पर सवाल उठाने लगा था। बहरहाल, सुनील ने अपनी असफलताओं और अपनी कमियों को स्वीकार कर अभिनय की बारीकियों पर मेहनत करना शुरू किया और उसी दौरान उन्हें गोपी किशन और हम है बेमिसाल जैसी कॉमेडी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। इन फिल्मों में उनके अभिनय को हर किसी ने सराहा। उसके बाद कई और हास्य, रोमांस और एक्शन मिश्रित फिल्मों के साथ साथ उनकी कुछ संजीदा फिल्में भी आईं, जिसमें भाई और बॉर्डर जैसी फिल्में शामिल हैं। साल 2000 में आई फिल्म धड़कन में अपने जबरदस्त अभिनय से उन्होंने हर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। उनके बेहतरीन अभिनय के लिए सन 2000
2001 में पहली बार उन्हें बेस्ट विलन के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अभिनय के अलावा सुनील शेट्टी फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और उनकी कंपनी का नाम है पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट। खेल, रक्त और भागम भाग जैसी कई फिल्मों का निर्माण इस बैनर तले हो चुका है। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं उनके परिवार के बारे में, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे सुनील शेट्टी के पिताजी के बारे में। सुनील के पिता का नाम वीरप्पा शेट्टी था। 9 साल की उम्र में ही वीरप्पा एक वेटर के रूप में काम करने लगे थे। वो होटल में प्लेटें भी धोते और कभी कभी थक कर रात में होटल के गोदाम में रखी सरसों की बोरियों पर ही सो जाया करते। किसी फिल्मी कहानी की तरह ही वीरप्पा अपनी मेहनत और लगन से एक जमाने में मुंबई और कर्नाटक के होटल व्यवसाय के क्षेत्र में एक जाना माना नाम बन गए। और एक दिन उन्होंने मुंबई के वर्ली में स्थित उस होटल को भी खरीद लिया जहाँ पर कभी वो प्लेटें साफ करने का काम किया करते थे। भारत के चुनिंदा नामी होटल व्यवसायियों में कभी एक नाम वीरप्पा शेट्टी का भी हुआ करता था। सुनील बताते हैं कि उनके पिता ही उनके असली हीरो हैं। उन्होंने बहुत कठिन संघर्षों से अपने दम पर अपना मुकाम बनाया जो हमेशा से उनको प्रेरित करता है और हौसला देता रहता है। सन 2013 में वीरप्पा जी को लकवा का अटैक हो गया था। सुनील ने दिन रात अपने पिता की सेवा की, यहाँ तक कि उन्होंने उनके लिए घर में ही एक ICU बनवा दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने पिता की देखरेख कर सके। इस दौरान ना उन्होंने अपने करियर की परवाह की और ना ही अपनी बेटी की फिल्मी दुनिया में शुरुआत पर ही ध्यान दे पाए। इस बात का जिक्र वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में करते हैं कि एक तरफ पिता की देखरेख और दूसरी तरफ बेटी की पहली फिल्म। वो बहुत धर्म संकट में पड़ जाया करते थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त वही किया जो एक लायक बेटे का फर्ज होता है। 1 मार्च 2017 को लंबी बीमारी के बाद मुंबई के ब्रीज कैंडी हॉस्पिटल में सुनील के पिता वीरप्पन शेट्टी जी का निधन हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 93 साल की थी। सुनील शेट्टी जी की माँ के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होने से हम उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम आप सभी दर्शकों से माफी चाहेंगे। अब बात करते हैं सुनील की पत्नी यानी माना शेट्टी की। जब सुनील और माना की मुलाकात हुई उस वक्त सुनील लगभग 21 साल के थे और माना की उम्र 17 वर्ष के आसपास थी। लेकिन 1982 में हुए इस प्यार को अपनी मंजिल तब मिली जब 25 दिसंबर 1991 को सुनील और माना का विवाह हुआ। 9 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद हुए इनके विवाह की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक मुस्लिम परिवार में जन्मी माना का असली नाम मुनीशा कादरी है और इनके पिता आईएम कादरी एक मशहूर आर्किटेक्ट थे तो इनकी माँ विपुला कादरी एक समाज सेविका थी। अलग धर्म होने की वजह से सुनील और माना की शादी में बहुत सी रुकावटें आईं, लेकिन सुनील ने अपने अच्छे व्यवहार और धैर्य से एक दिन कादरी परिवार का दिल जीत ही लिया। माना सुनील के लिए बहुत लकी भी साबित हुई क्योंकि अभी तक सुनील को फिल्में तो मिल रही थी लेकिन किसी न किसी वजह से अधर में लटक जा रही थी। लेकिन उनका सुनील की जिंदगी में आने के बाद सुनील की दोनों फिल्में बलवान और वक्त हमारा है बनी भी और बड़े पैमाने पर रिलीज भी हुई। माना की पहचान सिर्फ एक्टर सुनील शेट्टी की पत्नी की ना होकर एक समाज सेविका के साथ साथ एक सफल बिजनेस वुमन के तौर पर भी है। माना अपने परिवार और अपने बिजनेस दोनों को ही बखूबी संभालती है। सुनील और माना के दो बच्चे हैं, बेटी आथिया शेट्टी और बेटा अहान शेट्टी। पहले बात करते हैं आथिया शेट्टी की। 5 नवंबर 1992 को मुंबई में जन्मी आथिया की शुरुआती पढ़ाई मुंबई में ही हुई। बाद में वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं। जब उन्होंने फिल्मों में अभिनय को ही अपना करियर बनाने की बात घर में बताई तो सुनील ने अपनी गलतियों से सबक लेते हुए आथिया को पहले फिल्मों में अभिनय की बारीकियां सीखने की सलाह दी ताकि आथिया को भी उनकी तरह अभिनय के लिए आलोचकों की कड़वी बातें न सहनी पड़े जो कभी खुद सुनील को भी सुननी पड़ी थी। आथिया ने न्यूयॉर्क एकेडमी से अभिनय और फिल्म तकनीकी की बकायदा ट्रेनिंग ली। आथिया शेट्टी ने सन 2015 में फिल्म हीरो से बॉलीवुड में अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत की। इसके बाद वह और 3 फिल्मों मुबारक, नवाबजादे और मोतीचूर चकनाचूर में नजर आईं। उनके अभिनय की प्रशंसा तो हर किसी ने की लेकिन उन्हें पता है कि अभी उनको और मेहनत करके एक मुकाम बनाना है जिसके लिए वो जी तोड़ मेहनत भी कर रही हैं और इसी वजह से वो हमेशा अपने फिल्मों के चुनाव को लेकर सजग भी रहती हैं। अब बात करते हैं सुनील के बेटे अहान शेट्टी की। 15 जनवरी 1996 को मुंबई में जन्मे और फिल्मी माहौल में पले बड़े अहान शेट्टी ने भी पिता और बहन के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में अभिनय को ही अपने करियर के रूप में चुना और कोई जल्दबाजी न करते हुए पूरी तैयारी के साथ 24 वर्ष की उम्र में वो अभिनय के क्षेत्र में कदम भी रख चुके हैं। अहान की पहली फिल्म RX 100 पर काफी हद तक काम पूरा हो चुका है। फिल्म के निर्माता हैं साजिद नाडियावाला और फिल्म के निर्देशन की बागडोर संभाली है मिलन लोथारिया ने। दर्शकों को भी उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। सुनील शेट्टी की दो बहनें हैं सुजाता शेट्टी और सुनीता तरुण प्रताप। सुजाता शेट्टी सुनील से बड़ी हैं। वो लाइमलाइट से दूर अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त
व्यस्त हैं और समाज सेवा के कार्य से जुड़ी हुई हैं। छोटी बहन सुनीता भी फिल्मी दुनिया से अलग अपने पति तरुण प्रताप के साथ समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, बेशक सुनील शेट्टी की फिल्में अब कम आ रही हैं, वो चुनिंदा हिंदी फिल्मों के अलावा साउथ की कुछ फिल्मों में भी काम कर रहे हैं और साथ ही कुछ वेब सीरीज में भी वो जल्द ही नजर आने वाले हैं। कम फिल्मों के मिलने की एक वजह सुनील यह भी बताते हैं कि 59 वर्ष की उम्र होने के बावजूद भी वो ना तो जवान है और ना ही बूढ़े। इस उम्र में भी पूरी तरह से फिट होने की वजह से उन्हें ना तो पिता के रोल ही ऑफर होते हैं और ना ही वो इतने यंग हैं कि उन्हें हीरो की मुख्य भूमिकाएं मिलेंगी। बहरहाल सुनील शेट्टी ने जो एक मुकाम अपने दर्शकों के दिलों में बना लिया है, उसका जादू कभी भी कम नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सुनील शेट्टी फैमिली की। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।